हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टेली अकाउंट GST। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर टेली अकाउंट और GST से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो आपके साथ शेयर की जाती हैं। इसके लिए अगर आप सीखना चाहते हैं टेली को अच्छी तरीके से, तो आपको करना क्या है, TAG के साथ ही साथ टेली अकाउंट GST को इंग्लिश में टाइप करके यूट्यूब पर सर्च कर लें। तब ईगल टाइप मेरा चैनल का लोगो आएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहां वीडियो ऑप्शन में जाकर पिछली वीडियोस देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, टेली में बहुत ही आसानी से कार्य करना सीख सकते हैं, अकाउंट और GST से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो आज हम टेली में ये सीखेंगे कि मान लीजिए हम एक कंपनी को ओपन करके रखे हैं, उस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, और उसी समय यदि हमें और भी कंपनियों में काम करना है तो उन कंपनियों को हम एक साथ कैसे खोल सकते हैं, और जिस भी कंपनी में हम काम करना चाहें वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि हम एक कंपनी यहाँ पर हमने ओपन करके रखी है, माँ पद्मा ट्रेडर्स नाम से हमारी एक कंपनी है और इसमें अभी हम काम कर रहे हैं, और अचानक क्या होता है कि हमें किसी और कंपनी में काम करना पड़ जाता है, तो इसके लिए हमें दूसरी कंपनी यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम इस कंपनी को, जो हमारी कंपनी ओपन है, उसको बंद करें, या हम टेली को बंद करें, फिर से खोलें और फिर उसके बाद हम क्या करें, कंपनी को सिलेक्ट करें। तो ना तो हमें टेली को बंद करके फिर से नई कंपनी सिलेक्ट करनी है, और ना ही जो हमारी कंपनी खुली हुई है उसको बंद करना है, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है फिर से हमें इस कंपनी में काम करने के लिए, माँ पद्मा ट्रेडर्स में हमें फिर से काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो फिर से हमें इसको ओपन करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि माँ पद्मा ट्रेडर्स कंपनी हमारे सामने ओपन है, इसके अलावा हमें दूसरी कंपनी खोलना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, F1 प्रेस करेंगे, या साइड में बटन बार है यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर F1 सेलेक्ट कंपनी लिखा हुआ है, तो या तो इस पर माउस क्लिक कर देंगे, या हम क्या करेंगे, F1 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। जब हम F1 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो हमारे सामने ये लिस्ट ऑफ कंपनीज यहाँ पर खुलकर आ जाएगी विंडो, और इसमें जितनी भी कंपनी हमने आज तक बना के रखी हैं वो सारी कंपनियाँ यहाँ पर शो होंगी। अब जिस कंपनी में हमें काम करना है, जिस कंपनी को हमें खोलना है, ज़रूरत है जिस कंपनी को ओपन करने की, उसको हम यहाँ से लिस्ट ऑफ कंपनीज में से सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। मान लीजिए हमारी ये कंपनी है रमन ट्रेडर्स, और हमें यहाँ पर इसको खोलना है, तो हमने इसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए, जब हमने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर रमन ट्रेडर्स नाम से कंपनी ओपन होके यहाँ पर आ गई, और माँ पद्मा ट्रेडर्स जो कंपनी है वो भी खुली हुई है। अब मान लीजिए रमन ट्रेडर्स में हम काम कर रहे हैं, और रमन ट्रेडर्स में काम करने के बाद फिर हमें किसी कंपनी में, दूसरी कंपनी में कार्य करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम F1 प्रेस कर देंगे, और लिस्ट ऑफ कंपनीज में से हम दूसरी कंपनी जो है हमारी उसको हम खोल लेंगे। मान लीजिए जानकी ट्रेडर्स हमारी कंपनी है, इसमें हमें कार्य करना है, तो जानकी ट्रेडर्स को हमने लिस्ट ऑफ कंपनी में से सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो ये देखिए, जानकी ट्रेडर्स अब सबसे ऊपर आ गई और इसमें हम कार्य कर सकते हैं। इस तरह से हम F1 प्रेस करते जाएंगे और लिस्ट ऑफ कंपनीज हमारे सामने आएगी, और उसमें से जिस भी कंपनी में हमें कार्य करना है, जिस भी कंपनी को हमें ओपन करना है, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो वो कंपनी हमारे सामने इस तरह से खुलकर आ जाएंगी। अब यहाँ पर जानकी ट्रेडर्स, हमने सबसे लास्ट में जानकी ट्रेडर्स कंपनी को ओपन किया, तो सबसे ऊपर जानकी ट्रेडर्स है, और इधर हम देखेंगे तो डेट ऑफ लास्ट एंट्री, यानी जो भी हमारी कंपनियां यहाँ पर शो हो रही हैं, जानकी ट्रेडर्स है, माँ पद्मा ट्रेडर्स है और रमन ट्रेडर्स है, इस साइड जो भी कंपनी है वो कंपनी के नाम शो हो रहे हैं, और इस साइड हम देखेंगे तो यहाँ पर डेट ऑफ लास्ट एंट्री है। इसका मतलब ये है कि इस कंपनी में, जैसे ये रमन ट्रेडर्स है, इसके सामने 31 जनवरी 2018 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि डेट ऑफ लास्ट एंट्री, यानी इस कंपनी में हमने जो लास्ट एंट्री की थी वो किसी वाउचर में की हो, सबसे लास्ट जो हमने एंट्री की थी वो 31 जनवरी को की थी, तो वो यहाँ पर इस तरह से शो होगी। जो भी कंपनी हम खोलेंगे उसके सामने इस तरह से डेट ऑफ लास्ट एंट्री होगी, इसका अर्थ ये है, आप समझ लें। इसके बाद जानकी ट्रेडर्स में हम काम कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्या किया हमने, वाउचर एंट्री करना है, हमने यहाँ पे वाउचर एंट्री खोली, तो यहाँ पर देखेंगे तो जानकी ट्रेडर्स यहाँ पर इस तरह से लिख कर आ रहा है, यानी जानकी ट्रेडर्स अभी हमारी कंपनी सक्रिय है। अब हमें किसी दूसरी कंपनी को सक्रिय करना है, मान लीजिए हमें रमन ट्रेडर्स मान लेते हैं, रमन ट्रेडर्स में काम करना है, तो हम क्या करेंगे, माउस क्लिक करेंगे रमन ट्रेडर्स पर। अब देखिए, यहाँ पर रमन ट्रेडर्स कंपनी आ गई। अब हम कहाँ जो भी कार्य करेंगे वो रमन ट्रेडर्स कंपनी के अंतर्गत कार्य करेंगे, और इसमें जो अक्षर है वो हाईलाइटेड हो जाते हैं, बड़े अक्षर हो जाते हैं, इससे हम समझ सकते हैं, और सबसे ऊपर जो कंपनी होगी वो कंपनी इस समय सक्रिय है, बाकी जो नीचे तीन कंपनी है वो इस समय निष्क्रिय है। अब हम जो भी कार्य करेंगे वो रमन ट्रेडर्स के अंतर्गत होगा, जैसे अब देखिए हम वाउचर एंट्री करते हैं, तो यहाँ पर देखिए रमन ट्रेडर्स आ रहा है। एस्केप की प्रेस करें,
हम फिर बाहर आ गए। इस तरह से हमें जिस भी कंपनी को सिलेक्ट करना है, माँ पद्मा ट्रेडर्स में काम करना है, हमने माँ पद्मा ट्रेडर्स जो है उसको हमने माउस क्लिक से सिलेक्ट किया और ये देखिए माँ पद्मा ट्रेडर्स आ गया। इस तरह से एक ही साथ हम कई भी कंपनी, कितनी कंपनियों को भी खोल सकते हैं और कितनी भी कंपनियों में कार्य कर सकते हैं। जिस कंपनी में कार्य करना है माउस क्लिक करके हम उसको यहाँ पर सक्रिय कर लेंगे और उस कंपनी में कार्य करेंगे। तो इस तरह से आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि आज किस तरह से हम एक कंपनी ओपन करके रखे हैं, उसके साथ कई कंपनियों को हम खोल सकते हैं और जिस भी कंपनी में कार्य करना है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करके और उस कंपनी में कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।